हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेकाडियोराबोलिन 50 mg इंजेक्शन। डेकाडियोराबोलिन 50 mg इंजेक्शन के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। डेकाडियोराबोलिन 50 mg इंजेक्शन एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। यह प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हड्डियों का कमज़ोर होना, शरीर में कमजोरी होना, इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स में इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डेकाडियोराबोलिन 50 mg इंजेक्शन यह 1 ml की पैकिंग में आता है और इस 1 ml की पैकिंग का प्राइस होता है लगभग 402 रुपये। कंपनी इसे बनाती है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है नैंड्रोलोन डेकोनट 50 mg। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका, यानी किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को हमेशा IM के थ्रू लगाया जाता है, यानी कि इंटरमस्कुलर के द्वारा इसे लगाया जाता है। और आप चाहे तो हाथ में इसे लगा सकते हो, चाहे तो आप बैक पे लगा सकते हो। इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करने की जो उम्र होती है वो 17 से ऊपर है। जो लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी उम्र 17 से ऊपर होनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल फर्स्ट इंजेक्शन के बाद 15 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। कई कंडीशन में 1 वीक के बाद भी एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा हो तो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसे किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर जो महिला प्रेग्नेंट है वो भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये लोग यूज़ करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं इंजेक्शन, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद इस्तेमाल करें, या फिर अगर डॉक्टर उन्हें लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स। दोस्तों, अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, पोषण तत्वों की कमी है, तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। कमजोरी और पोषण तत्वों की कमी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। या फिर किसी की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों तो इसे लगवाने से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दोस्तों, जो लोग रनिंग करते हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं, वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके शरीर में स्टेमिना को ये बढ़ाएगा, साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी देगा और उनकी रनिंग भी बेहतर हो सकेगी और हड्डियां मजबूत होंगी, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को रनिंग करते समय सांस बहुत ज़्यादा फूलती हो या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो वो लोग वोवरान SR 100 mg टैबलेट और ड्यूफिल 400 mg टैबलेट की वीडियो देखें। इस चैनल पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको चैनल पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, आप दोनों वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये महिलाओं को ही प्रॉब्लम होती है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से उन्हें बहुत वीकनेस महसूस होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, बहुत जल्दी उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है और बहुत जल्दी हाथ पैर टूट भी जाते हैं। अगर ज़रा सा सीढ़ी से उतरे या कुछ हुआ तो कई बार क्रैक हो जाता है पैर। तो इस कंडीशन में जब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे इनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जब आपको ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद अगर आपको उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टी सा मन हो तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके चेहरे पर मुहासे निकलने लगे, दाने निकलने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर महिलाओं के स्तनों का साइज़ बढ़ने लगे। जो महिला इसे यूज़ करती हैं तो वो समझ सकती हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा, या फिर उनके शरीर में सूजन होने लगे
तो भी वो समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कोई दवा सूट ना हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।